खाद्यान्न विभाग के जिला अधिकारियों भावना ठाकुर एवं ऋतु शुक्ला द्वारा होटलों एवं भोजनालय पर की गई कार्रवाई। घरेलू गैस की 48 टंकियां जब्त कर की कार्रवाई। खाद्यान्न विभाग के अधिकारियों द्वारा नरसुलागंज के मिष्ठान भंडार होटलों भोजनालयों पर छापामारी के दौरान 48 घरेलू गैस की टंकी और 55 लीटर केरोसिन से भरी हुई केन को जब्त किया गया। अचानक हुई छापेमारी से नरसुल्लागंज के सभी कारोबारियों में हड़कंप मच गई। कार्रवाई के चलते खाद्यान्न विभाग के अधिकारियों द्वारा नरसुल्लागंज में आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की एवं उन पर केस बनाया गया। खाद्य अधिकारियों द्वारा होटलों के खाद्य सैंपल भी चेक किए गए। वहां की साफ सफाई पर विशेष नजर रखी गई। कुछ व्यवसायियों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया तथा कुछ पर कार्रवाई की गई। यहां से घरेलू गैस कनेक्शन या प्रदूषित खाद्यान्न पाया गया, उन पर खाद्यान्न एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और सामान जब्त कर लिया गया। नरसुल्लागंज से बाहर चल रहे ढाबों पर भी छापामारी की गई। प्रदूषित खाना व गंदगी पाई गई, जिसमें से कुछ ढाबों पर शराब की बोतलें भी पाई गई, जिसको अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में अधिकारियों ने किराना दुकानों को भी निशाना बनाया और कुछ किराना दुकानों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए बिल मांगे गए, परंतु बिल उपलब्ध नहीं होने के कारण व्यवसायियों को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। देखिए पूरी खबर नरसुल्लागंज से संवाददाता संतोष मीणा के साथ आज की आवाज। क्या कार्रवाई करी आज नरसुल्लागंज तहसील में आपने? जी, आज यहाँ पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है, जिसके तहत हमने इमरती जलेबी के सैंपल लिए हैं और हमने मिठाई के भी सैंपल लिए हैं और दूषित खाद्य सामग्री को फिटवाया है। प्रथम दृष्टि में क्या पाया है जिन चीज़ों के आपने सैंपल लिए? मिठाइयों के कलर तथा गुणवत्ता के जांच के लिए सैंपल लिया गया और जांच परिणाम प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन में जांच परिणाम आते हैं? जांच परिणाम कितने दुकानों से सैंपल लिए? दुकानों से सैंपल लिए।